से मैंने रेकी का कोर्स करा है, आज मैंने मास्टरशिप कोर्स करा। और विकास सर इतने सरलता के साथ कोर्स को बताते हैं, समझाते हैं कि बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। और आज सीखने के बाद ऐसे लग रहा है कि काफ़ी कुछ और पावर सिंबल्स हमने सीख लिए हैं और पावर आ गई है, जिससे कि दूसरों को हील करने में और अच्छी तरीके से हम हील कर पाएंगे। इसके साथ ही अब मैं सिखा भी सकती हूँ लोगों को रेकी का, जिससे कि और लोगों का भला हो, उनको फ़ायदा हो। तो कैसे, क्या प्रेरणा मिली आपको इस सेवा करने की? इससे अच्छा लगता है कि अगर हम किसी का कुछ हील कर पाते हैं तो उनको उनका ठीक हो जाती है प्रॉब्लम, उनको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि डॉक्टर के अलावा भी कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज़ होती हैं, कुछ पावर है, कुछ एनर्जी है जिससे कि हम ठीक हो सकते हैं। तो उन लोगों को भी रेकी के बारे में हम बताते हैं कि आप अभी तो हीलिंग कराइए पर उसके बाद खुद सीखिए आप, जिससे कि आप खुद अपनी और अपने परिवार की, अपने लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। तो ये करने के लिए भी उनको हम प्रेरित करते हैं। कौन कौन से आपने कोर्स किए हैं यहाँ से? मैंने अब तो अभी रेकी का ही कर रही हूँ कोर्स, अभी इसके बाद EFT का कोर्स करूँगी, जी एंजल थेरेपी का कोर्स करूँगी। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता लगा? यहाँ मैंने YouTube और गूगल में सर्च किया था, तो उसके बाद इसीलिए यहाँ पर करने आई हूँ। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सर तो खैर कहने सर के बारे में तो क्या बोलूँ, सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं और बिल्कुल एक मतलब गुरु तो हैं, बट वो एक इतना फ्रेंडली गुरु होते हैं, तो गुरु एक ऐसा नहीं लग सकता, असहजता नहीं आती है, बड़े कंफर्टेबल लग रहे। तो जब मेरे पर किसी ने करा तो मुझे फील हुआ, तब मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ एनर्जी है और मुझे भी सीखनी चाहिए, जिससे कि मैं भी लोगों को हील कर सकूँ। किस तरह से हम चैनल बनते हैं, किस तरह से हमारे मतलब हाथों में एनर्जी थी हमें नहीं पता होता है, तो किससे सर ने बताया और किससे अटेंडमेंट करके हमारे अंदर भी हम एक चैनलाइज हो गए, तो वही पता चला उससे। फिर उससे जब हम दूसरों को हील करते हैं वो भी रियलाइज़ करते हैं, उनको पता चलता है, तो फिर लगता है कि हाँ कोई शक्ति, कोई दिव्य शक्ति, दिव्य एनर्जी तो है जिसके माध्यम से हम दूसरों को उसको ठीक करा। इंस्टेंट तो ठीक हो गया, बाद में तो वैसे उसको शायद हो गया था, बट एक ही दिन हमारे पास आई थी तो इंस्टेंट काफ़ी रिलीफ मिला था। और एक दो किसी का कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, कुछ उनका मतलब कंसीव करने में, तो उनकी मैं हीलिंग कर रही हूँ, तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब अभी टेस्ट करवा रही हैं उस प्रोसेस में हैं, तो उनके रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और वो भी बहुत कॉन्फिडेंट है कि रेकी से कि आपकी रेकी की वजह से मेरे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। और मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ शायद मैं कुछ कर पा रही हूँ, सर ने जो हमें सिखाया है हम उसको उसमें मदद कर रहे हैं, उसको हील करने में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आप रेकी मास्टर बन गए हैं, तो आप दूसरों को क्या कहना चाहेंगे जिनको रेकी के बारे में नॉलेज नहीं है? अब हाँ बस ये कि अभी मैं भी यही जा रही हूँ कि मैं लोगों को रेकी से अवगत कराऊँ, बताऊँ, और एटलीस्ट रेकी 1-2 लेवल तो सबको आना ही चाहिए मिनिमम, सो दैट कि वो अपनी और अपने परिवार की थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, छोटी छोटी बात में डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, तो इतना तो आना चाहिए। इसी ही अवेयरनेस करने का मेरा मकसद है कि ये अवेयरनेस करूँ मैं जी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, विकास सर का बहुत धन्यवाद, AVM का धन्यवाद और दिव्य शक्तियों का धन्यवाद, रेकी का।